प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह। कैसे हो आप सब? मेरे से तो एक बार फिर से आपके सम्मुख और फिर से बहुत बड़ा प्रकाशन के साथ और वाक्य में पूरा बॉलीवुड, पूरा फिल्म जगत बर्बाद हो गया है। परमेश्वर का श्राप उस पर पड़ा है और आज देखेंगे श्राप पड़ा क्यों है और कब से ये हालत होना शुरू कर दी फिल्म जगत वालों की। आपने देखा होगा बीते दिनों में बहुत सारे हादसे हुए और बहुतों का नुकसान हुआ, एक्सीडेंट हुए, जाने गई। ये सब कुछ परमेश्वर का क्रोध है। जब प्रभु का क्रोध भड़कता है मेरे जीतों तो इंसान हिल जाता है और फिल्म जगत पूरा हिल चुका है, बर्बादी कगार पर है। सारी बात बताऊंगा कि परमेश्वर ने मुझे कैसे इस चीज को बताया है। बहुत अद्भुत संदेश है, जुड़े रहना, पूरा संदेश सुनना। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, अद्भुत रीति के परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वाक्य में आप भय योग्य परमेश्वर है, आपके हाथ में पड़ना भयानक बात है पिता, और जो आपके हाथ में पड़ गया पिता उसको कोई नहीं बचा सकता पिता। फिर भी हम दया चाहते हैं, लेकिन आपकी हर भविष्यवाणी पूरी हो रही है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। परमेश्वर आप पहले मौके देते हो और जब हम मौका नहीं एक्सेप्ट करते तब आपका क्रोध हम पे भड़कता है, इसलिए अपने क्रोध से हमें बचाए रख पूरी दुनिया को पिता। फिर भी हमारे ने आपकी इच्छा पूरी हो, मेरा बोलने में तेरी उपस्थिति हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। बिल्कुल मेरे जी, तो परमेश्वर पहले मौके देते जैसे निनवे को दिया प्रभु ने और यूहन्ना नबी के द्वारा। हर कोई, चाहे वो कितना बुरा इंसान हो, चाहे कोई भी हो, परमेश्वर उसे एक मौका जरूर देते हैं। और मौका मतलब है कि प्रभु उसके कानों में, उनके कानों में कोई भी हो, अपना वचन जरूर प्रवेश करते हैं, हालेलुया, ताकि वो एक बार एक्सेप्ट करे, नहीं करता तो वो उसकी हड्डी के। यही हुआ फिल्म जगत के बारे में और जो प्रभु ने मुझे दिया मेरे अजीजो। बीती रात, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि बीती रात यानी कि कल मेरा जन्मदिन था और आपने बहुत सारा प्रेम दिखाया। परमेश्वर को आशीषित करें और वचन के द्वारा आपको बढ़ाता जाए, हालेलुया आमीन। मेरे पूरे परिवार के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे जब बीते दिनों में जब मैं सो रहा था यानी कि लेटा था अपने बिछौने पर, अपने बेड पर, तब मुझे ये प्रकाशन मिला। देखो प्रभु मुझसे बातें करते हैं सपने के द्वारा, वचन के द्वारा, लेकिन प्रकाशन के द्वारा भी बातें करते हैं। यानी कि इंसान जब लेटा लेता है और क्या प्रभु और हम, देखो वचन नहीं खुलेगा, कुछ नहीं होगा, अंधेरे में होगा, लेकिन मेरी आँख बंद होगी और तभी प्रभु मुझे प्रकाशन देते हैं। ऐसे में प्रकाशन था, मेरे हाथ में फोन था, एकदम प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया। और ये कब से घटना घट रही है पूरे फिल्म जगत के बारे में, पहली भविष्यवाणी जो मुझसे करवाई थी प्रभु ने वो था 24 जुलाई 2021। उसका लिंक नीचे है, उस वीडियो को जरूर देखना। वो 5 भविष्यवाणी थी जिसमें एक हॉलीवुड की थी और वो दिन और आज का दिन है कि जब से संकट पे संकट, संकट पे संकट पूरे फिल्म जगत को हिला कर रख दिया है। बिल्कुल मेरे जी, तो पूरे फिल्म जगत को परमेश्वर ने हिला कर रख दिया है और उन्होंने मुझे वचन दिया है। उस वचन के अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, क्यों परमेश्वर का क्रोध भड़का, क्योंकि परमेश्वर का श्राप जब पड़ता है मेरे जी तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होती है। तो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश मेरा बोलना तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। मेरे जी तो वचन कहता है कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है, बिल्कुल। और जब कोई परमेश्वर के हाथ में पड़ जाता है, क्योंकि फिल्म जगत वालों ने बहुत मजाक उड़ाया वचन का, प्रभु के लोगों का तिरस्कार करा और नहीं, और सबसे बड़ी बात है वो शैतान को फॉलो करते हैं, नंगपन में सबसे आगे है और नशे पर्दा में सबसे आगे है। प्रभु चाहता है, फिल्म जगत वालों का कोई कोष में नहीं है, लेकिन जो सुनो गौर से, जो शैतान को फॉलो करते हैं परमेश्वर मौके दे रहा है, हालेलुया। प्रभु ने जॉनी लीवर भाई को खड़ा कराया, प्रभु ने बहुत लोगों को बचाया है और प्रभु वहां पर सुषमा सुनाते हैं, लेकिन अगर उनकी आंखें बंद है, वो नहीं सुनना चाहते, तो मेरे अजीज तो फिर परमेश्वर को रोक होता है, हालेलुया। परमेश्वर का श्राप कभी व्यर्थ नहीं पड़ता। हम ये नहीं कह सकते प्रभु तू ही गलत कर रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, चाहे कोई देश हो, कोई राज्य हो, कोई भी हो, क्योंकि वचन जो लिखा है, नीति वचन मैं पढ़ूंगा आपके साथ, नीति वचन 26:2 में लिखा है, जैसे गोरिया घूमते घूमते और सुपर बनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता है। व्यर्थ का मतलब है यूं ही श्राप नहीं पड़ता। अब ये नहीं कह सकते कि प्रभु का क्रोध गलत है, परमेश्वर कभी गलत नहीं हो सकते, हालेलुया। और सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने बताया मेरे जीजो, कि शैतान के गढ़ को ढाना है तो इसलिए प्रभु ने ठाना है, हालेलुया, कि इस फिल्म जगत को बदलना है, इनमें से लोगों को बचाना है। परमेश्वर पूरा मौका दे रहे, ऐसी बात ही नहीं दे रहे, पूरा मौका दे रहे, हालेलुया। जो लोग एक्सेप्ट करेगा, उद्धार करता यीशु मसीह ग्रहण करेगा, वो बचाया जाएगा, और जो नहीं करेगा, वचन साफ कहता है, जो प्रभु को नहीं मानेगा उद्धार करता, पुनरुत्थान में डाल दिया जाएगा। और फिर जब से 24 जुलाई 2021 से जो भविष्यवाणी हुई है, वो लगातार वैसे की वैसी प्रभु कायम रख रहा है और हर दिन कोई ना कोई संकट, कोई ना कोई घटना घट रही है। प्रभु मौके भी दे रहा है और चेतावनी भी और ताड़ना भी। तो मेरे जी तो ये प्रकाशन मुझे मिला, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आपके घर में भी अभी भी कोई
फिल्म का सुनने वाला हो, देखने वाला हो, गाने सुनने वाला हो, उसे स्टॉप कर देना अगर आप मसीह में, और वो नहीं मानता है तो उसके लिए प्रार्थना करना। क्योंकि प्रभु ने मुझे एक सपना भी दिखाया था कि जो फिल्म जगत में जुड़ा है गाने सुनने का, उस पर दुष्ट आत्मा अटैक करेगी। तो जब से प्रभु ने ठान लिया है कि फिल्म जगत को मोड़ना हो रहा है, ऐसा हो रहा है और आप खुद देख रहे हो, सब कुछ फ्लॉप हो रहा है, ज्यादा क्रेज कम हो रहा है ना, क्योंकि शैतान इनको अब ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था। परमेश्वर ठान लिया कि जब जब शैतान ज्यादा इस्तेमाल करता है तब तब परमेश्वर का हाथ बढ़ता है और उसको जड़ से खत्म करता है। आने टाइम आप देखोगे कि सब कुछ ये खत्म हो जाएगा, एक नई शुरुआत होगी। हालेलुया। और इसमें से भी लोग काफी प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले होंगे, जैसे प्रभु ने मुझे दर्शन में दिखाया है। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं आज का दर्शन प्रकाशन बहुत अद्भुत है। ये क्यों बताया गया है? ताकि आप जान लो कि प्रभु जो करते वो सच में सही होता है, गलत नहीं होता, और जो ठान लेते वो होके रहता है। प्रभु ने आपको आशीष देने ठान लिया है तो आशीष कोई आपसे छीन नहीं सकता। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपकी सारी भविष्यवाणियां हाँ और आम के साथ पूरी हो रही है, हर एक भविष्यवाणी को आप पूरी कर रहे हो। और पिता 24 जुलाई 2021 से जो भविष्यवाणी आपने मुझे दी है फिल्म जगत के बारे में, वो आप ऐसा करते जा रहे हो पिता, लेकिन फिर भी हम दया मांगेंगे, आप मौके पे मौके दे रहे हो पिता, क्योंकि शैतान इनको इस्तेमाल कर रहा है नौजवानों को नाश करने के लिए, और आप नहीं चाहते किसी का नाश हो पिता। इसलिए आपने ठान लिया है कि इस फिल्म जगत को बदलना है, और ऐसा होगा पिता। आने टाइम में कोई होल नहीं बचेगा, कोई फिल्म जगत के वाले पिता परमेश्वर, ये फिल्म इंडस्ट्री पूरी चेंज हो जाएगी, बदल जाएगा सब कुछ पिता, और शैतान का सब थोड़ा गढ़ ढा दिया जाएगा हाँ और आमीन के साथ। और ऐसा होगा मैं विश्वास करता हूँ पिता, बहुत लोग बचाए जाएंगे, तेरे में आएंगे पिता। और जितने लोग हम लोग पिता प्रार्थना कर रहे हैं, उन प्रार्थना का जवाब मिलेगा। और जो लोग पिता नादान है, अंधकार में जा रहे हैं पिता, उनको वापस लेके आ, उनके जीवन से पिता फिल्म जगत का भूत को उतार दे पिता, उनका नशे को उतार दे, उनका पहनना ओढ़ना, उनका सोचना विचारना देखना सब बदल जाए। ऐसा हो रहा मैं विश्वास करता हूँ, हर घर में से यह आत्मा निकल रही है मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। वीडियो को शेयर करें परमेश्वर के साथ ही, देखना सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ठान लिया है, इसे कोई रोक नहीं सकता। जय मसीह।